سبيل الدموع سبيل مريح. तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा चिकनाव बताने जा रहा हूँ जो दो तरीके से काम करेगा, जानदारी भी हो जाएगी कबूतर में आपके। मैं ये चिकनाव जो बता रहा हूँ आपको, कैसे बता रहा हूँ, दो चीजें होंगी इसमें, फिर बता रहा हूँ, जानदारी और सीने कुंदा साफ भी होगा। तो वो कैसे होगा, आपको क्या करना है, ये है बाने और ये 35 कबूतरों के 70 बाने हैं दोस्तों, और मैं ये गिव अवे करूंगा अपने सब्सक्राइबर को। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा चिकनाव बताने जा रहा हूँ जो दो तरीके से काम करेगा, जानदारी भी हो जाएगी कबूतर में आपके। जो लोग भाई मुझे कमेंट कर रहे हैं बार बार कि उस्ताद जानदारी के लिए कोई चिकनाव बताओ, और कबूतर उनके बहुत जल्दी थक जा रहे हैं, उड़ना है मतलब मुश्किल से 2 मिनट उड़ते हैं और फिर थक जाते हैं, तो वो जानदारी भी होगी और सीने कुंदे साफ भी होंगे उससे। दो चीज़ें होंगी दोस्तों, एक चिकनाव से दो शॉट होंगे, क्या, एक तो जानदारी भरपूर हो जाएगी कबूतरों में, वो उड़ने लगेगा खूब और उमंग भी भरेगी, दूसरी बात, और उसमें सीने कुंदे साफ होंगे, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये हैं बाने और ये 35 कबूतरों के 70 बाने हैं दोस्तों, और मैं ये गिव अवे करूँगा अपने सब्सक्राइबर को, उसका कंडीशन मैं बताता हूँ कैसे, और दोस्तों ये मैं अपने सब्सक्राइबर को दूंगा, ठीक है, उसकी कंडीशन बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बाने जो हैं, जो मैंने आपको पिजन रिंग दिखाए दोस्तों, मैंने दिल्ली से मंगवाए थे, अपने कबूतरों पे भी डाले हैं, यूज़ करें दोस्तों। तो ये पहले से ही यूज़ करे हुए बाने हैं, ठीक है, कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं नए बाने गिफ्ट कर रहा हूँ, ऐसा है, मैं अपने सब्सक्राइबर को गिव अवे करूँगा दोस्तों। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, मैं खुद से, अब ये जो वीडियो आ रही है इसमें और प्लस इससे पिछली 9 वीडियो और मैं पीछे देखूंगा, अब तक की मतलब इस वीडियो से 10 वीडियो में मैं देखूंगा कमेंट, जिसका कमेंट हुआ एक ही बंदे का 10वें वीडियो पे, तो मैं ये बाने उसको गिव अवे कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। और ये ना करें अब आप लोग कि अब की जिससे जाके कमेंट करने लगे, तो उससे ये है मुझे पता लग जाएगा, क्योंकि उसमें घंटे लिख के आ जाते हैं और मेरे चैनल ग्राफ जो है सब बता देता है, तो आप ये ना करें, ठीक है। इस वीडियो में जैसे आपने कमेंट करा और उसी शख्स का मैं देखूंगा कि 10 वीडियो तक हैं, अगर 10 वीडियो तक उसके लगातार कमेंट आए हैं, और भले मैंने वो कमेंट देखा ना हो, लेकिन मैं उसको उसमें देख लूँगा और चैनल पे से अपने जाके देख के और ये गिव अवे कर दूंगा, चाहे भले ही आप किसी शहर के हो, ठीक है, मैं आपको कुरियर कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई पैसा नहीं लूँगा, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। अब चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। बहुत से भाई ये कह रहे हैं कि कबूतर जो है हमारा 1 मिनट मुश्किल से उड़ रहा है और 1 मिनट से कम भी उड़ रहा है, और बैठ जा रहा है फिर लग जा रहा है, कहने का मतलब है कि कबूतर थक जा रहा है। तो भाइयों, कहने का मतलब ये है कि 1 मिनट तक तो उड़ रहा है और उसके बाद थक जा रहा है बहुत जल्दी, मतलब बैठने को कर रहा है, तो मैं उसके लिए चिकनाव बता रहा हूँ आज दोस्तों। लेकिन इस वीडियो को बहुत गौर से देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत प्यारी तरीके समझाऊंगा कि यही चिकनाव आप कैसे करके कबूतर को लगाएं, क्योंकि देखिए एक तो थक जा रहा है जो कबूतर, ये उसके लिए जानदारी का चिकनाव हो गया, और एक भारी होता है कबूतर तो उसके लिए हल्का करने का चिकनाव, तो बहुत दिमाग से लगाएं। मैं आपको तरतीब बताऊंगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, आप वैसे लगाएं, गलती बिल्कुल ना करें, गलती करेंगे तो देखिए कबूतर के नुकसान होगा, याद रखिएगा। अब मैं इस वीडियो से मैं आपको चीजें भी बताया करूंगा बिल्कुल करके, एक्सप्लेन करके, जो आपको समझ में भी आ सके, तो ठीक है दोस्तों। बहुत जानदारी का चिकनाव है, बहुत शानदार चिकनाव है, और कबूतर आप 5-5 मिनट की 6-6 मिनट की हवा उड़ा लीजिए, कबूतर थकेगा नहीं इंशाल्लाह। सबसे पहली बात दोस्तों कि कबूतर का सीना कुंदा साफ होना चाहिए। दो चीज़ों में कबूतर थकता है, या तो उसके अंदर जानदारी नहीं है, बात बहुत सोचना समझना दोस्तों, बहुत ऊंची बात बता रहा हूँ आपको, या तो उसमें जानदारी नहीं है, या वो जानदारी तो बहुत है लेकिन वो भारी है, सीना कुंदा साफ नहीं है, इन दोनों ही बातों में बहुत ज़्यादा जमीन और आसमान का अंतर है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, चेक करना है अपना कबूतर। चेक कैसे करेंगे, जब आपका कबूतर उड़ के बैठेगा तो वो जब बैठ रहा है तो भदभदा रहा है क्या, अगर वो भदभद करके बैठ रहा है तो वो क्या है, भारी है। और अगर आपका कबूतर आ रहा है जब लौट के वापस, आप कह रहे हैं चक्की देकर आओ तो आ रहा है, तो कुंदों को ऐसे करके स्लाइड करके आ रहा है, तो वो कबूतर भारी नहीं है, उसमें जान की कमी है, ठीक है। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगी, मैं सिर्फ बता ही सकता हूँ। तो बहुत शानदार चिकना होगा दोस्तों, अगर आपका कबूतर भारी है तो आप, मैं बता दूंगा क्या चीज आपको लगाना है जिससे वो हल्का हो जाएगा इसी चिकनाव में। और अगर आपका भारी नहीं है, आपका कबूतर जानदारी से कम है, तो आपको वो चीज कम कर देना है, लेकिन लगाना जरूर है, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। आपको 50 कबूतरों के लिए पर 2 ग्राम
पर 2 ग्राम चिकनाव बनाना है। रोटी 100 ग्राम की, 100 ग्राम की हो गई दोस्तों, 2 ग्राम के हिसाब से 100 ग्राम की रोटी होती है। 100 ग्राम की कच्ची पक्की रोटी जो मैंने आपको सिखाई है सेम वैसे ही आपको बनाना है, ठीक है दोस्तों। और आप अब दाना कितने दे रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जब पूरी जब रोक देते हैं कबूतर जब, क्योंकि पूरी वो बारीक रेता गिराता रहता है तो इसलिए उसका दाना ज्यादा कम नहीं करते हैं दोस्तों। 13 या 14 ग्राम दाना रहता है समझ लीजिएगा, खाली बाजरा और कुछ भी नहीं। आप चना दे सकते हैं देसी चना, अगर आपका कुरीज कबूतर कर चुका है बारीक रेता बचा है तो आप तेल की रोटी और चना साथ में डाल सकते हैं, ठीक है। चना एक मुट्ठी डाल दीजिए बस, बहुत है दोस्तों, इनफ है। तो आपको क्या करना है, कच्ची पक्की रोटी बनाना है 50 कबूतरों के लिए। और उस रोटी को सबसे पहले बता रहा हूँ मैं किस चीज में भूनना है, उसको आप सफेद वाला मक्खन है उसमें, क्योंकि बहुत से लोग ना बाद में कहते हैं कि आपने बताया नहीं, मैं भी भूल जाता हूँ दोस्तों। सफेद वाला सादा मक्खन आता है, कोई भी कंपनी का नहीं होता है, वो देसी लोग बनाते हैं जहाँ पे डेयरी होती है, जहाँ पे मतलब डेयरी की प्रोडक्ट की दुकान होती है। शॉप की बात कर रहा हूँ मैं, गाय की और भैंस की डेयरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डेयरी शॉप्स जो होती है आप वहाँ जाएंगे वो अपना मठा अपना घी सब निकालते हैं उनसे, आप कहेंगे सादा सफेद वाला मक्खन बिना नमक का, नमक वाला नहीं लेना है, कबूतर सीप में आने लगेंगे, आपको उसमें गूंदना है वो बढ़िया करके। अब आपको लेना क्या है दोस्तों सुनिए, आपको लेना है 5 बादाम, सबसे पहली चीज 5 बादाम, आपको 5 बादाम लेना है और 10 घंटे का भिगा हुआ हो बादाम, याद रखिएगा दोस्तों। अभी गर्मी हो रही है, अच्छी खासी गर्मी है, उमस वाली गर्मी है, ठीक है, कबूतर गर्माए ना आपका, इसलिए 5 बादाम आप लेंगे, 10 घंटे भिगा देंगे उसको, ठीक है। आप ले लेंगे इसी के साथ छुआरा, दोस्तों बहुत दिमाग से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, छुआरा, छुआरा होता है यहाँ पे सब लग के आएगा इस साइड में, इस साइड में छुआरा लेंगे, आपको छुरी से आप उसको काट के उसके अंदर की गुठली हटा देंगे और उसको बिल्कुल हाफ पीस में कर देंगे, थोड़ा बड़ा ले लीजिएगा छुआरा, हाफ पीस में कर देंगे और उसको भी साथ में भिगो देंगे। इसके साथ आपको लेंगे दोस्तों किशमिश, सिर्फ 5 किशमिश लेना है आपको, सिर्फ 5, ठीक है, 5 किशमिश लेना है आपको, उसको भिगोना नहीं है, उसको आपको ऐसे यूज करना है। आपको लेना है 2 ग्राम कद्दू की मीन, ठीक है, 2 ग्राम आप कद्दू की मीन ले लेंगे, मगज कहते हैं कद्दू के मगज, यहाँ पर बन के आ जाएंगे आप देख लीजिए, सिर्फ 2 ग्राम लेना है आपको, चम्मच से आप नाप लीजिएगा, ठीक है, वेट स्केल पे 2 ग्राम आपको वो भी भिगो देना है साथ में दोस्तों, ठीक है। और सिर्फ आपको किशमिश नहीं भिगाना है, ठीक है, आपकी मेवा बन के तैयार हो जाएगी, 10 घंटे बाद आप इसको बढ़िया करके इसकी चटनी बना के आप उस कच्ची पक्की रोटी में चिकनाव देंगे दोस्तों। इसके साथ आपको चुटकी इस्तेमाल करना है। अब बहुत मेन बात है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आप लेंगे इसमें 2 काली मिर्च, 3 दखनी मिर्च, ठीक है दोस्तों, और 1 सफ़ेद इलायची के काले बीज, बिल्कुल सिया काले हुए वो ले लेंगे आप, 1 सफ़ेद इलायची के, बड़ी इलायची होती है दोस्तों, बड़ी इलायची, लाल इलायची भी बोलते हैं बहुत से लोग उसे, उसको आप खोलेंगे, उसमें बहुत सारे दाने होते हैं दोस्तों, सिर्फ आप 2 दाने लेंगे, जितना कहूँ उतना ही करना, 50 कबूतरों के लिए सिर्फ 2 दाने, ठीक, आप लेंगे और इसका आप क्या करेंगे, बढ़िया करके चुटकी तैयार करेंगे, आप चुटकी मिला लेंगे अपने चिकनाओं में, बढ़िया करके उसको गूंद लेंगे। अब आपको आखिरी चीज़ चाहिए दोस्तों, जो बहुत ही आप दिमाग से सोचना, जिसका कबूतर भदभदा रहा है, देखिए दोस्तों मैं ये चिकनाव जो बता रहा हूँ आपको, कैसे बता रहा हूँ, 2 चीज़ें होंगी इसमें, फिर बता रहा हूँ, जानदारी और सीनेकुंदा सांप भी होगा। तो वो कैसे होगा, आपको क्या करना है, अम्बा हल्दी लेना है, अम्बा हल्दी, अगर आपका कबूतर भदभदा रहा है, भदभदा के बैठ रहा है, मोटा है, तगड़ा है, तो आप उसके सीनेकुंदे साफ करेंगे, तो उसमें आप इसी चिकनाव में लेंगे 1 ग्राम अम्बा हल्दी, दिमाग से सुनिएगा दोस्तों, 1 ग्राम, और आप नापेंगे उसको, ठीक है, 1 ग्राम अम्बा हल्दी, और इसमें आप मक्खन में मिला के बेहतरीन करके आप इसको भून लेंगे रोटी कच्ची पक्की में डाल के। अब आपका कबूतर अगर जानदारी में कम है और मोटा नहीं है, तगड़ा नहीं है, इसमें यहाँ पे फर्क आ गया, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, तो आप लेंगे 0.5 ग्राम 0.5 ग्राम अम्बा हल्दी, ठीक है, वो कितनी होती है मैं आपको बता देता हूँ, एक घर में जो छोटा चम्मच होता है खाने वाला, ठीक है, उसकी लगभग आधे से थोड़ी कम, आधे से थोड़ी कम आपको ले लेना है अम्बा हल्दी और आपको मिला देना है। अच्छा, अब ये तो हो गया जानदारी के लिए, अब आपका उधर जो मोटा है ना, तगड़ा भदभदा जो रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए दोस्तों जो मैं कहूँ ना वही करना, उससे ज्यादा नहीं करना, फिर कह रहा हूँ कबूतर को नुकसान हो जाता है, आप लोग सही से समझ नहीं पाते, इतना सही से बताने के बावजूद भी आप लोग कमेंट करते रहते हैं बार बार, बताओ बताओ, तो
तो कमेंट करना अच्छी बात है, आप और चीज पूछिए, लेकिन इस वीडियो के मुताबिक पूछिए, क्योंकि मैं इतनी प्यारी तरीके से आपको जब बता रहा हूँ तो आप पूरी वीडियो देखिए, आप स्किप करके देखें तो कुछ हासिल नहीं होगा आपको। आप क्या करेंगे, बहेड़ा और हड़, बहेड़ा और हड़ आप उसको कूट लेंगे, गुटली फेंक देंगे, छिक्कल को कूट लेंगे बढ़िया करके, बहुत बढ़िया करके, और उसका बिल्कुल बारीक चुटकी पाउडर बना लेंगे और किसी चीज में रख लेंगे स्टोर करके, बहुत काम आने वाली है दोस्तों ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप अंबा हल्दी, बहेड़ा और हड़ इसका पाउडर बना के ऑलरेडी पहले ही रख लीजिए अपने पास, क्योंकि कबूतर को साफ करने में इसका बहुत रोल है। आगे आपको इस वीडियो का पानी बता दूंगा, बहुत शानदार पानी जो इसके साथ लगता है, तो आप लड़ाइयाँ भी कर सकते हैं और इस चिकनाओं से भी आप लड़ाइया ले सकते हैं, बहुत शानदार लड़ाइया होगी, ठीक है। लेकिन जो लोग का कबूतर भदभदा रहा है, भारी है, जो 1 ग्राम हल्दी डालेंगे अंबा हल्दी वो ना लड़ाए, फिर से बता रहा हूँ, आज वीडियो में आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ, वो कबूतर ना लड़ाए भाई, उसका कबूतर गिर जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिसका कबूतर मोटा है, सबसे पहली बात, जिसका कबूतर मोटा है वो 1 ग्राम अंबा हल्दी डालेगा, ठीक है, और बहेड़ा और सबजड़ का पाउडर बना के 5 चुटकी, 50 कबूतरों के लिए छोटी चुटकी 5 ऊपर से छिड़केगा, 5 चुटकी बहुत कम होती है, आप देख लीजिएगा 0.3 ग्राम भी नहीं होगी, मतलब 0.3 ग्राम भी नहीं होगी, 1 ग्राम तो छोड़िए, तो ठीक है ना, आप ये देंगे मोटे कबूतर को, चिकनाओ ताकतवर है, बात समझना, चिकनाओ ताकतवर है, आप आ जाइए, जान की कमी है जिसमें, यही चिकनाओ उसके ऊपर भी काम करेगा, मेवा वही लगेगी सारी, बस आप बहेड़ा और सबजड़ का पाउडर नहीं डालेंगे इसमें, अंबा हल्दी डालेंगे जरूर, लेकिन 0.5 ग्राम डालेंगे बस, ठीक है दोस्तों। ये आपका चिकना हो गया, बहुत शानदार सिंपल सा चिकना है, बस इसमें सारी कारीगरी जो है मिकदार की है, मिकदार मैंने आपको बता दी है, लोगों को पता होता है दोस्तों, बहुत चीजें पता होती हैं, अंबा हल्दी, मुलैठी, हड़, ये वो, लेकिन वो जब मिकदार नहीं होती है तो वो तरतीब सही नहीं होती है, तो वो कबूतर सही से नहीं उड़ा पाते हैं। आप कबूतर उड़ाइए दोस्तों, बहुत शानदार इस चिकनाओं पर कबूतर उड़ेगा, आप खुद कहोगे 5-5 मिनट की हवा मार रहे हैं, थक नहीं रहा कबूतर, और उसी के साथ साथ दोस्तों देखिए ताबे लगाया कर नहीं कबूतर को, आप भड़िए चाहे मत लगाइए, भड़िए से कोई दिक्कत नहीं होती है, आप ताबे लगाइए, सिंगल ताबा लेके बिठा लिए, और कबूतर को ताबे लगाने की टेक्निक ये होती है, कबूतर को आप सिंगल ताबा लेके बिठा लेंगे तो चक्की ना दे, मतलब कि डबल ताबे पे जब आप चक्की देंगे तो कबूतर बहुत जल्दी सीखेगा कि मुझे सिंगल ताबा लेना है, ठीक है दोस्तों। और कबूतर अपने आप उठेगा और उसमें स्टैमनर बनेगा, जब स्टैमनर बनेगा तो आप उसको लगा सकते हो ऊपर और बढ़िया करके उसे टांग सकते हो। और इसी के बाद दोस्तों मैं चिकनाओं बताऊंगा, बहुत लोगों के लिए भाई कह रहे थे ना जिनका कबूतर तैयार हो गया है, तैयार हो गया, वो कह रहा है हमें रास्ता दिखाना है, ऊपर आसमान लगाना है बढ़िया करके, ठीक है। तो जानकारी का एक और चिकनाओ आता है नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, और कबूतर आपका आसमान लगेगा और बढ़िया करके बल लेगा, बल बहुत शानदार लेगा, आपको दिखेगा बल लेता हुआ, तो आपको अभी दिल खुश होगा, ठीक है। उसके लिए सीने कुंदे फिर कह रहा हूँ साफ होना बहुत जरूरी होते हैं, बिना सीने कुंदे साफ करोगे कबूतर कभी आप उड़ा नहीं सकते, कभी आप दौड़ा नहीं सकते, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी नए भाई हो मेरे, और वीडियो को लाइक जरूर करा करिए, देखिए बताओ, लेकिन मैं आपकी मोहब्बत में भी चीज़ें बता रहा हूँ तो उतना ही प्यार दीजिए, ठीक है। तो जितने भी नए भाई हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करा करिए अपने दोस्तों में आप लोग, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। और अब तो सीजन आ रहा है, बड़ा बड़ा धाकड़ खेल डालूंगा, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और इसी वीडियो में एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए दोस्तों फिर बता रहा हूँ कि कोई भी मुझसे बसाई का, बसाने का, शहदी का कबूतर खोलने का, ठीक है, ये खेल ना पूछे, और ड्रॉप्स का, होम्योपैथिक की ड्रॉप जो आती है जिससे कबूतर उड़ाते हैं वो ना पूछे, ये तीन चीज़ें प्लीज मुझसे, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग मुझसे मत करो, मैं आपसे कर रहा हूँ रिक्वेस्ट, प्लीज़ ये खेल मुझसे आप ना पूछें, ये मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों देखिए कुछ इल्म रहना चाहिए पास में, तो आप समझ सकते हैं। हालांकि मैंने 4 कबूतर शहदी को खोले, कट्टर कबूतर है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा और उनको मैं उड़ाऊंगा, उन्हीं से लड़ाऊंगा, ठीक है, मजा नहीं वो गिर जाए इंशाल्लाह, मालिक है बाकी अल्लाह, मालिक है सारी तारीफों का मालिक अल्लाह है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।